मैं किसी की जरूरत नहीं, किसी की ख्वाहिश बनना चाहते। ऐश्वर्या राय का दिल मुश्किल में कहे डायलॉग है। देखिए डायलॉग कभी कभी अधूरे होते हैं और उनके जो वर्ड्स होते हैं आगे पीछे, जो राइटर है जो पोएट है वो उनमें कुछ सेंसेशन पैदा करने के लिए आगे पीछे कुछ करता है। ऐसे अगर डायलॉग्स हो, ऐसे सेंटेंसेस हो, उसे हमें अंग्रेजी हिंदी में आगे पीछे हुआ इसलिए अंग्रेजी में वैसा ही करें, ऐसा नहीं है। हमें उस सेंटेंस को सही तरीके से बनाए, फिर से अंग्रेजी में बोले, इसकी कोशिश कर। देखिए एक्चुअली सेंटेंस कम्प्लीटली कैसा हुआ, अधूरा है, कम्प्लीट कैसे बनता है देखिए। मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ, कम्प्लीट ऐसा है। मैं किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती, मैं किसी की ख्वाहिश बनना चाहती, ये कम्प्लीट है। यहाँ पर फिल्म में यह अधूरा है, यहाँ पर आगे का कुछ, इस सेंटेंस के आगे का कुछ पार्ट जबान से बोला नहीं गया है और इस सेंटेंस का शुरुआत का कुछ पार्ट जबान से बोला नहीं गया। यह अधूरापन रहने की वजह से ही उस डायलॉग में एक पावर आई है। इस तरह से फिल्म में होता है, लेकिन हमें अंग्रेजी बोलने के लिए उसे पूरा करना होता है। देखिए मैं किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती, ये बनना चाहती यहाँ पर डायलॉग में हो नहीं है, लेकिन एक्चुअली ना होते हुए भी हम सुनते हैं। मैं किसी की जरूरत नहीं बनना चाहती, मैं किसी की ख्वाहिश बनना चाहती, मैं किसी की ख्वाहिश बनना चाहती। देखिए दो सेंटेंस है, ऐश्वर्या राय का दिल मुश्किल में का डायलॉग है, इसे हम अंग्रेजी में बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है, सब्जेक्ट है मैं के लिए आएगा आई, मैं के लिए आएगा आई। इस नहीं चाहती, चाहती के लिए वांट और नहीं चाहती के लिए डोंट वांट, आई डोंट वांट। इस ना के लिए टू, बनना के लिए भी। देखिए आई डोंट वांट टू बी, आई डोंट वांट टू बी। किसी की जरूरत, समवंस नीड, समवंस नीड, किसी की जरूरत के लिए समवंस, someone's apostrophes, someone's need, जरूरत। देखिए I don't want to be someone's need, I don't want to be someone's need, I don't want to be someone's need। मैं किसी की ख्वाहिश बनना चाहती हूँ, मैं सब्जेक्ट आए फिर उस सेंटेंस के एंड में चाहती हूँ, want, I want। इस बनना के लिए ना के लिए टू, बनने के लिए भी। किसी की ख्वाहिश के लिए someone's desire, I want to be someone's desire, I want to be someone's desire, I want to be someone's desire, I don't want to be someone's need, I want to be someone's desire, I don't want to be someone's need, I want to be someone's desire, I don't want to be someone's need, I want to be someone's desire, I don't want to be someone's need, I want to be someone's desire। देखिए अभी आपको इस वीडियो के नीचे जाना है, इस सेंटेंस की ओर देखते हुए ये सेंटेंस अंग्रेजी में टाइप करने की कोशिश करनी। देखिए मैं के लिए आई टाइप कीजिए, इस नहीं चाहती के लिए डोंट वॉन्ट, देखिए डी ओ एन टी डोंट वॉन्ट, इस ना के लिए टू टी ओ टू, बनने के लिए भी I don't want to be। किसी की जरूरत someone's, जरूरत need, I don't want to be someone's need। मैं किसी की ख्वाहिश बनना चाहती हूँ, मैं I चाहती हूँ want, W A N T want, इस ना के लिए to, T O to, बनने के लिए be। किसी की ख्वाहिश someone's desire, D E Z I R E, someone's desire। इस वीडियो के नीचे जाइए और इस सेंटेंस, इस डायलॉग की ओर देखते हुए इस सेंटेंस अंग्रेजी में टाइप करने की कोशिश कीजिए। क्या देख रहे हैं, जाइए गो और स्टार्ट टाइपिंग दिस डायलॉग इन इंग्लिश।